उनसे बहुत जल्दी. देयर यू गो, हाय यूनिवर्सल एमवीपी आपके नाम के साथ छोड़ना पड़ेगा. आई गेस हाउ आर यू जोनाथन? फाइन फाइन, आप लोग कैसे हो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जोनाथन. बहुत सारे, मैं पहले बता दूं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मीम्स तो हमने देखे ही हैं. आधार कार्ड में वो नामकरण कब हो रहा है वैसे पूछना चाहूंगा, तहे दिल से एक रिक्वेस्ट है. क्या 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 नाम करना, मतलब किसका किसका? यूनिवर्सल एमवीपी का. अरे अपने नाम के साथ. वो तो मतलब लाइक सबको पता रहता है, जो भी टूर्नामेंट खेलू हर मैच लोगों को पता ही एमवीपी कौन है. एमवीपी अवार्ड. जोनाथन, बहुत सारे सवाल आपके लिए आए हैं चार्ट की तरफ से भी और हमारे पास भी हैं, बट सबसे एक मेन सवाल, वो स्किल लेवल, वो ब्रेन प्लेज किस प्रकार से एग्जीक्यूट किए जाते हैं, क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में सबसे पहले जनता को आप? तो ऐसा है कि जो मतलब लाइक लोग समझते हैं कि ये इजी है, मतलब लाइक वैसा तो बिल्कुल नहीं है. आप जो भी करोगे ऑब्वियसली मतलब आपको 100% देना ही पड़ता है. लोग समझते कि लाइक जॉनी खेलता है ऐसे नॉर्मली वगैरह, इतने कम टाइम में कैसे एमवीपी बन जाता है, बट वो पता नहीं है मेन लोगों को मैं ऑफलाइन क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ. सो ऑफलाइन बैठे बैठे प्रैक्टिस करता हूँ, मैं किसी को बताता नहीं हूँ, खुद का ही जाता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में, इधर स्प्रे उधर स्प्रे रिफ्लेक्स वगैरह. तो मैं खुद का ही अपने में ही गाने डालता हूँ, अपने में ही बिजी हो जाता हूँ गेम के अंदर में, और गेम सिर्फ एंड वही दिख जाता था. और इसी के अराउंड एक सवाल भी आता जॉनथन की, बहुत लोगों ने पूछा है ट्रेनिंग ग्राउंड में दिन का कितना टाइम आप स्पेंड करते हैं, बिकॉज़ जो ट्रेनिंग आप करके दिखा रहे हैं वो तो अमेजिंग है. सो मतलब लाइक मैं ज्यादा भी ट्रेनिंग नहीं करता हूँ, बट जितना करता हूँ मैं 100% देता हूँ. लाइक समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हो? पूरे टूर्नामेंट में बहुत सारे शिफ्ट्स देखने को मिले. गिल का एडिशन था, प्लेसमेंट पॉइंट्स के लिए टीम खेलती थी, इट वाज क्लियरली विजिबल. अब उसके बाद ज़ीगोट को वापस लिया गया, फिर फिनिशेस के लिए गई पूरी टीम, अभी मैक्सिमम फिनिश होल्डर है. सो लाइक जब इतनी सारी स्ट्रेटजीज एक साथ चेंज हो रही थी, टीम के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा था? लाइक यू आर द ओनली प्लेयर राइट नाउ हियर, बट जब आईजीएल के कॉल आउट्स आ रहे थे तो उसमें क्या डिफरेंसेस हो जाते थे जब गिल होते थे और जब जी गॉड होते थे? सो ऐसा है कि किसी को मैं बुरा, मतलब ऐसा कुछ डिफरेंस है, सब जितने भी हम हैं वी आर इक्वल. सो अभी वी आर जस्ट ट्राइंग आउट कि क्या बेस्ट सूट करेगा क्या नहीं सूट करेगा. तो अभी वी आर जस्ट अभी तक फिगर आउट कर रहे हैं. जैसे ही सब लाइक प्रॉपर बैठ जाएगा तो वेलकम टू नो द मेन फाइनल. मतलब अभी भी ये फाइनलाइज नहीं है, अभी फाइनलाइज में बहुत सारे चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. क्योंकि इवन मेरे को एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि रिसेंटली हम देख रहे थे कि गॉडलाइक वाज गोइंग फॉर द प्लेसमेंट पॉइंट्स, देन उसके बाद बिकॉज वो प्लेसमेंट पॉइंट्स ले जा रहे थे तो फिनिशेस कम थे, फिर उसके बाद मोस्ट फिनिशेस भी आपके पास, एंडिंग डे में एक अच्छा कमबैक भी दिखाया, तो सडनली गॉडलाइक वापस फिनिशेस में आई. सो क्या अब हमें गॉडलाइक के साथ, इवन नियो ने भी स्ट्रीम पे एक स्टेटमेंट दी थी, तो क्या अब हमें टीम उसी तरीके का एग्रेशन कंटिन्यू करती दिखेगी कि क्या वो सिर्फ प्लेसमेंट पे चाहे या फिर अब जो ओल्ड स्कूल गॉडलाइक हम जानते थे ना कि फिनिशेस तो निकलने हैं और एमवीपी और वॉट का किताब तो जाना है, क्या वही सेम चीज हम रिपीट देखने वाले हैं? हाँ ऑब्वियसली फिनिशेस के मामले में हम लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते. तो बट हम लोग मेन ज्यादा फोकस कर रहे थे लाइक यू कैन से प्लेसमेंट पॉइंट, हम लोग वही देख रहे थे कि हम लोग के गिल्स तो निकल जा रहे थे बहुत सारे, बट मेन हम लोग क्या लैक कर रहे थे वो है प्लेसमेंट पॉइंट. सो अभी बीच में हम लोग ऐसा हो गया था कि प्लेसमेंट लाइक हम लोग ट्राई कर रहे थे कि गिल्स भी मतलब थोड़ा करे, मतलब थोड़ा क्या मतलब बूम मारे गिल्स में, एंड प्लेसमेंट भी थोड़ा लाइक एवरेज टाइप होना चाहिए. तो अभी हम लोग उस पर वर्क कर रहे थे, बट स्लोली बाय स्लोली बोलते ना स्लोली स्लोली हो जाएगा सब कुछ. जी हाँ, ओके चलिए.